भिलाई से खबर है, हत्या के आरोपियों पर प्रशासन का एक्शन है। तीन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है, मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद है। 21 जनवरी को नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई थी, पांच लोगों ने मिलकर नाबालिग की हत्या की थी। और ऐसे जघन्य अपराधियों के घर पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। और इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी हमारी संवाददाता कोमल धनेसर, वो फोन लाइन पे भी हैं। कोमल बताइए। अभी कुछ देर पहले ये कार्रवाई हुई है, 21 जनवरी को एक हत्या हुई थी शिवम साव की। और ये मामला कुछ इस तरह था कि शिवम के बड़े भाई टेंट हाउस का काम करते हैं, वो अपनी गाड़ी पिकअप को रिवर्स कर रहे थे, उस दौरान दो बाइक सवार को ठोकर लगी। उसके बाद वो बाइक सवार कुछ लोगों को बुलाकर आए और विवाद हुआ। विवाद के दौरान संतोष साव के छोटे भाई जो शिवम है 17 साल के हैं, उसे चाकू मार दिया गया और जब तक अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। और इस मौत के बाद में वैशाली नगर के जो वहां संतोषी पारा के लोग हैं, विधायक के पास पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। चूंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जेल जा चुके थे, उसके बावजूद अब विधायक ने यह कहा कि आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे और बुलडोजर चलना तय है उनके घर में। उसके बाद निगम को एक निर्देश दिया गया कि उनकी जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए। जब मकानों की रजिस्ट्री और सारे डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो उसमें कई कुछ जगह पर अवैध कब्जा पाया गया। उन्हें समय दिया गया था कि आप अपने जो मकान के जो कागज है वो प्रस्तुत करें और प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद आज सुबह ये कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के बाद में एक लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है कि जो अनैतिक कार्य करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और बता दूं कि ये जो एरिया है कैंप तो काफी सेंसिटिव माना जाता है, तो यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल थी, सीएसपी छावनी मौजूद थे, तहसीलदार गुरुदत्त यहाँ मौजूद थे, इसके अलावा निगम की टीम मौजूद थी। तो एक बड़ी कार्रवाई के रूप में से देखा जा रहा है। हालांकि पीड़ित परिवार जो है वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है और जो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये कार्रवाई जो हुई सही हुई है, लेकिन अगर अवैध कब्जे तोड़े जाने थे, एक सवाल लोग उठा रहे हैं इस बीच में कि क्योंकि ये कैंप एरिया है, आप अधिकतर लोगों के अवैध कब्जे हैं, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए थी। शुक्रिया कोमल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। भिलाई की खबर है जहां हत्या के आरोपियों पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तीन आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चलवाया है, मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल भी मौजूद है। 21 जनवरी को आपको बता दें कि नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, पांच लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पांच लोगों ने मिलकर एक नाबालिग की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब यहां पर कार्रवाई जारी है। हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भिलाई की। भिलाई में हत्या के आरोपियों पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उनके अवैध निर्माण को यहां पर ठहा दिया है और साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोमल धनेसर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, अब देखिए उन पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूसरी तरफ आरोपियों के घर को भी जिम्मेदारी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज की जो कार्रवाई है वो एक सबक देने वाली कार्रवाई है कि अगर आप कुछ अनैतिक कार्य करेंगे तो उसका परिणाम आपके परिवार को ही भोगना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ भिलाई के कैंप 2 संतोषी पारा में हुआ है, जहां पर 21 जनवरी को शिवम साव की जो चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, वो 17 साल का मात्र नाबालिग था। और जो घटना कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी, मात्र एक गाड़ी के रिवर्स होने के कारण एक बाइक सवार को ठोकर लगती है और वो बाइक सवार अपने दोस्तों को लेकर के आता है और मारपीट की घटना होती। इसी बीच शिवम को चाकू मारा जाता है और शिवम की हत्या हो जाती है। इसके बाद में आरोपी सब जेल चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वहां के विधायक ने खुलकर एक मन से ये कहा कि अब आरोपियों के घर बुलडोजर चलेगा, इसके बाद सारी जो कार्रवाई है प्रशासनिक रूप से शुरू हुई। पहले उन घरों की जांच की गई कि उनका अवैध निर्माण है या वैध है। घर वालों को नोटिस भेजा गया निगम की ओर से, नोटिस का जवाब मांगा गया कि अगर आपका अवैध निर्माण है तो उसे आप स्वयं हटा लीजिए, नहीं तो निगम का बुलडोजर चलेगा। और जो आरोपी के घर वाले थे उन्होंने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया, न ही कोई अपना जो अवैध था उसे हटाया था। उसके बाद आज जो है सुबह करीब 9:30 बजे वहां पूरी टीम पहुंची प्रशासन की, तहसीलदार गुरदत्त के मार्गदर्शन में सारे लोग पहुंचे हुए थे। क्योंकि वो एरिया काफी सेंसिटिव माना जाता है तो पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था, सीएसपी छावनी कमान संभाले हुए थे, उसके थाना प्रभारी और इसके अलावा अन्य पुलिस बल भी मंगाया गया था भारी मात्रा में। तो यहां पर जो कार्रवाई हुई है वो तीन घरों में हुई है और ये तीन घरों के जो लड़के हैं वो तीनों आरोपी है, फिलहाल जेल में है। तो उनके परिवार के ऊपर ये कार्रवाई हुई, बिल्कुल अवैध जो उनका जो अवैध कब्जा था उसे तोड़ा गया है यहाँ पे। चलिए लगातार कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा कोमल, फिलहाल तमाम जानकारी